आज हमने पढ़ना है प्रीपोजिशन के बारे में। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमने पढ़ना है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ करना है। उसके बाद हम अपने टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन यह हमारे पास है, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स डैट शो द पोजिशन ऑफ अ नाउन। तो हमने आज पढ़ना है प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पोजिशन शो करते हैं नाउन की। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास जो नाउन होता है उसकी पोजिशन शो करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डैट इज़ प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल में हमारे पास है इन, ऑन, अंडर। जैसे कि हम लेट्स से कि मेरे पास एक बॉल है। अब हमने ये बताना है, मैं कह रही हूँ मेरे पास बॉल है, आई हैव अ बॉल, लेकिन वो बॉल कहाँ है? मेरे पास घर में चेयर के नीचे है, घर के अंदर है, घर के बाहर गार्डन में है। तो ये जो कहाँ मैं पोजीशन बताऊँगी कि वो घर के अंदर है, घर के बाहर है, तो ये जो पोजीशन मैं बता रही हूँ, इस पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी उन वर्ड्स को हम कहते हैं डैट इज़ प्रीपोजिशन। अब हम ये देखते हैं कि हम कब कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रीपोजिशन है इन। इन हम कब यूज़ करेंगे? जब भी हमारे पास किसी चीज़ की बात हो रही हो, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक बॉल है, ये एक बॉक्स के अंदर है। तो जब भी किसी चीज़ की बात हो रही हो कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर है, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। और जब भी हमारे पास बात हो रही हो कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, पिक्चर से अगर समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ हमारे पास प्रीपोजिशन है ऑन, और पिक्चर से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल है। तो जब भी किसी एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी की बात हो रही हो तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ऑन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे आते हैं, तो यहाँ हमारे पास है प्रीपोजिशन ओवर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ रनिंग एक्शन है, इस पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है। तो जब भी ऊपर की बात तो हो रही है, ये बॉल बॉक्स के ऊपर है, लेकिन साथ में रनिंग एक्शन है। तो जब भी एक्शन हो और साथ में ऊपर की बात हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओवर यूज़ करेंगे। जैसे कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं बिल्ली झाड़ियों की तरफ छलांग लगाती हुई जा रही है और चूहे का शिकार कर रही है, तो बिल्ली जो छलांग लगा रही है, इसी तरह से आप इस पिक्चर को अगर उससे कंपेयर करेंगे, एक रनिंग एक्शन हो रहा है, एक एक्शन है, प्लस फिर ऊपर की बात हो रही है, तो उसमें हमने क्या लगाना है? प्रीपोजिशन ओवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अबव। जब हम ऊपर की बात करें, एक ऊपर तो था कि एक चीज़ के ऊपर, मतलब एक साथ ही एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का होना, वहाँ हम लगाएंगे ऑन। लेकिन अबव, जैसे मैं कहूँ मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा ऊपर तो है लेकिन थोड़ा क्या, बिल्कुल एक साथ नहीं है। तो जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के एक साथ हो तो वहाँ हम ऑन लगाएंगे। और जब ऊपर बात तो ऊपर की हो रही है, ऊपर ही है लेकिन डिस्टेंस में है, या थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है कि ऊपर की बात हो रही है, तो तब वहाँ हम यूज़ करेंगे अबव। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड। तो जब भी हम बिसाइड के मीनिंग्स हैं बराबर। तो जब भी किसी कोई चीज़, कोई जगह, कुछ भी हम बता रहे हों कि ये उसके बराबर में है। अच्छा, जब हम जगह की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे बिसाइड की जगह। जब हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, तो तब हम बिसाइड लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर। तो जब भी किसी कोई चीज़, जैसे कि यहाँ टेबल के नीचे बॉल है, तो यहाँ हमने वर्ड क्या यूज़ किया? अंडर। तो इसी तरह जब भी एक चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ की बात हो रही हो तो वहाँ हम लगाएंगे अंडर। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमने अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन से। अच्छा, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग के हिसाब से कौन सा प्रीपोजिशन सूट कर रहा है हम वो लगाएंगे। सेंटेंस नंबर वन है, माई शूज़ आर डैश द ड्रेसिंग टेबल।
मेरे शूज़ ड्रेसिंग टेबल के अंदर हैं, ऊपर हैं, या हम इन लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ, माई शूज़ आर इन द ड्रेसिंग टेबल। मेरे शूज़ ड्रेसिंग टेबल के अंदर हैं, आप ऑन भी लगा सकते हैं, अगर और कोई आप अंडर भी लगा सकते हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई सूटेबल लगे वो भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के उसकी मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन लगाइएगा। नंबर सेकंड है हमारे पास, देयर इज़ अ टॉल कोकोनट ट्री डैश द माउंटेन। वो क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा एक लंबा कोकोनट ट्री है पहाड़ के बराबर में या पहाड़ के साथ। तो जब भी हम बराबर की या साथ की बात कर रहे होंगे तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन हम लगाएंगे बिसाइड। उसके बाद नेक्स्ट है, द बुचर शॉप इज़ डैश टू द मिल्क शॉप। बुचर शॉप कसाई की दुकान दूध की दुकान के बराबर में है। तो अब भी बात हो रही है बराबर की, लेकिन यहाँ हम लगाएंगे नेक्स्ट टू। अच्छा, आपको बिसाइड और नेक्स्ट टू में, बिसाइड और नेक्स्ट टू दोनों प्रीपोजिशन है, आपकी मर्ज़ी आप बिसाइड लगाएं या नेक्स्ट टू लगाएं। लेकिन जब आप ब्लैंक सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके लिए एक छोटा सा याद रखने का तरीका ये है, या छोटा सा एक की पॉइंट ये है कि आपने देखना है ब्लैंक के बाद अगर तो आपके पास टू लिखा हुआ आ जाता है, आप ऐसी ब्लैंक जिसमें आप बराबर की या साथ की बात हो रही हो, जहाँ आपको लगे कि इधर आप पजल्ड हों कि यहाँ बिसाइड आएगा या यहाँ नेक्स्ट टू आएगा, तो वहाँ आपने देखना है अगर आपको नज़र ब्लैंक के बाद सेंटेंस में टू लिखा हुआ नज़र आ जाए तो फिर आपने वहाँ नेक्स्ट लगाना है। क्योंकि ये देखें, ये पूरा वर्ड है नेक्स्ट टू, तो उन्होंने हमें हिंट के लिए एक वर्ड दे दिया है टू, एक वर्ड हमें खुद से लगाना है नेक्स्ट। लेकिन अगर आप देखें सेंटेंस में ब्लैंक के बाद आपका यहाँ टू नहीं है, जैसे इस ब्लैंक में, ब्लैंक नंबर टू में ब्लैंक के बाद टू नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि इस ब्लैंक में हम बिसाइड लगाएंगे। अब नंबर थ्री ब्लैंक में हमने देखा कि बराबर की बात ही हो रही है, लोकेशन ही बताई जा रही है, लेकिन ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ आ गया, अब यहाँ हम बिसाइड नहीं लगा सकते, अब हमें यहाँ नेक्स्ट ही लगाना है। तो ये पूरा एक वर्ड है नेक्स्ट टू। तो जब आप देखें कि बराबर की बात हो रही है और सेंटेंस में ब्लैंक के बाद टू दिया हुआ है, तो वहाँ पे नेक्स्ट ही आएगा। अगर ब्लैंक के बाद टू नहीं है तो वहाँ फिर बिसाइड आएगा। अब हम आ जाते हैं नंबर फोर पे। नंबर फोर है हमारे पास, माई टीचर इज़ सिटिंग डैश द चेयर। अब आपको पता है कि चेयर के ऊपर ही बैठा जाता है, चेयर के अंदर हम नहीं बैठ सकते, यहाँ कोई रनिंग एक्शन नहीं है, ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही। तो माई टीचर इज़ डैश द चेयर, मेरी टीचर जो हैं वो बैठी हुई हैं कहाँ पर, ऑन द चेयर, कुर्सी के ऊपर। नंबर फाइव है, द कैट जम्प डैश द बुश एंड रन इन द जंगल। बिल्ली ने जंप की, कहाँ, झाड़ियों के ऊपर से जंप किया और भागती हुई चली गई जंगल में। अब ये जंप किया बिल्ली ने किसके ऊपर से, झाड़ियों के ऊपर से। ये हमने ऊपर आपको पिक्चर, अगर आपको याद हो ओवर वाली, तो उसमें भी क्या था, रनिंग एक्शन था प्लस ऊपर की बात हो रही थी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओवर एंड रन डैश द जंगल। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एंड रन इन द जंगल, और जंगल के अंदर चली गई या जंगल के अंदर भागती हुई चली गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। द पैरट फ्लू डैश माय हेड। तोता उड़ रहा था मेरे सर के ऊपर से। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अबव और नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू हमें पता है कि जब भी किसी जगह की बात हो रही हो कि एक के बराबर में कोई दूसरा है, तो जब भी बराबर की या साथ की बात हो रही हो तो वहाँ हम लगाते हैं नेक्स्ट टू। लेकिन यहाँ तो ऊपर की बात हो रही है, द पैरट फ्लू डैश माय हेड, तोता मेरे सर के ऊपर उड़ रहा था। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अबव। उसके बाद नंबर सेकंड है हमारे पास, द बुक्स आर डैश द डेस्क। अब यहाँ पे हम ऑन और इन दोनों लगा सकते हैं कि डेस्क के ऊपर बुक्स हैं या डेस्क के अंदर हैं। यहाँ मैं लगा रही हूँ ऑन, डेस्क के ऊपर है। द नीडल्स आर डैश द पैकेट। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो सुइयाँ हैं वो पैकेट के अंदर हैं
या रनिंग एक्शन की बात हो रही है, ओवर ओवर हम कब लगाते हैं, जब रनिंग एक्शन की बात हो रही हो, और इन मीन कि जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है। तो यहाँ हमें सेंटेंस में सेंटेंस क्या दिया हुआ है, नीडल्स आर डैश द पैकेट, नीडल्स पैकेट के अंदर हैं, तो यहाँ हमने प्रीपोजिशन लगाना है इन। आई होप सो वेल कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये लैंग्वेज का हमारा बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बस आपको इसके जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं कि जब कोई चीज़ अंदर हो तो क्या लगाना है, जब ऊपर हो, जब रनिंग एक्शन हो, अगर ये आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना